हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने ही फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अगारो किचन नाइफ सेट की। यानी ये एक कंप्लीट नाइफ सेट है जिसे आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हो। चाहे वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, ब्रेड हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप इस तरह के नाइफ को यूज़ करके उसे काट सकते हो, यानी कि स्लाइस कर सकते हो। अब इसे खोलने से पहले इसके जो थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस अगारो किचन नाइफ सेट के आपको दो मॉडल्स मिलते हैं, एक है आपका 6 पीस मॉडल और दूसरा है आपका 17 पीस मॉडल। तो 6 पीस मॉडल में आपको 6 नाइफ मिलेंगे इसके अंदर, 17 पीस में आपको 17 नाइफ मिलेंगे, यानी कि 17 नाइफ सेट आपको मिल जाएगा। अब 17 पीस वाले मॉडल में क्या है, आपको एक नाइफ होल्डर मिलता है, यानी आप नाइफ्स को उसमें रख सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोई भी नाइफ होल्डर नहीं मिलेगा। अब इसके जो थोड़े बहुत और स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है स्टेनलेस स्टील ब्लेड, यानी ये जो चाकू आप देख रहे हो, जो नाइफ्स आप देख रहे हो, ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। दूसरा है अर्गोनॉमिक पॉलीप्रोपिलीन हैंडल्स, यानी ये जो हैंडल आप देख रहे हो ये आपका पॉलीप्रोपिलीन से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका हैंडल बहुत ही मजबूत हो जाता है। तीसरा है कम्स विथ 6 पीस नाइफ कवर्स, यानी ये जो आप चाकू देख रहे हो उसके ब्लेड को कवर करने के लिए आपको एक एक इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवर मिल जाएगा, जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है वो हम देख लेते हैं। तो अभी जैसा आप देख सकते हो, हमें इसके अंदर यही 6 नाइफ मिलते हैं जो इसके ऊपर दिया गया है। सबसे पहला है हमारा 8 इंच शेफ नाइफ, दूसरा है 8 इंच स्लाइसिंग नाइफ, तीसरा है 8 इंच ब्रेड नाइफ, चौथा है 7 इंच सन टोकू नाइफ, पता नहीं ये क्या है लेकिन कुछ तो है, फिफ्थ है आपका 5 इंच यूटिलिटी नाइफ और सिक्स्थ है आपका 3.5 इंच पैरिंग नाइफ। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर जो हमारा नाइफ दिया गया है वो एक एक करके हम बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए मैं इसे निकाल देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, यही है हमारा अगारो 6 पीस का नाइफ सेट। तो टोटल 6 पीसेस हमें मिल जाते हैं। तो एक एक करके हम हर एक को बाहर निकाल देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल 6 पीसेस हमें इसमें मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे नाइफ्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा 8 इंच शेफ नाइफ। तो जैसा आप देख सकते हो, इसका हैंडल जो है वो आपका कम्प्लीटली पॉलीप्रोपिलीन से बना हुआ है, इसीलिए जब आप इसे पकड़ोगे तब भी बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा आपके हाथों को और बहुत ही मजबूत हैंडल इसमें दिया गया है। दूसरी चीज़ है, आपके नाइफ के ऊपर आपको एक हार्ड प्लास्टिक का प्रोटेक्टिव कवर मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। तो आप इसे बस इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो, यह है हमारा शेफ नाइफ। काफ़ी धारदार है, इसलिए हमेशा इसे ध्यान से ही यूज़ कीजिएगा। अब ये जो स्टेनलेस स्टील आप देख रहे हो, इसके ऊपर आपको एक ब्लैक कलर का कोटिंग मिल जाता है, जो कि आपका रस्ट प्रूफ कोटिंग दिया गया है, यानी आपका जो ब्लेड है वो रस्ट नहीं होगा। तो जैसा आप देख सकते हो, यह है हमारा 8 इंच शेफ नाइफ। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर अभी रखता हूँ। दूसरा है हमारा 8 इंच स्लाइसिंग नाइफ, बिल्कुल सेम है, पॉलीप्रोपिलीन का हैंडल, यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टिव कवर मिल जाता है, और यह है हमारा स्लाइसिंग नाइफ। फिर तीसरा है हमारा ब्रेड नाइफ। तो ब्रेड नाइफ मेरे को नाम से ही लगता है कि ये आपका ब्रेड वगैरह काटने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो, इसे अभी हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको टीथ मिल जाते हैं, काफ़ी धारदार है, इसलिए मैं वापस से आपको कह रहा हूँ, इसे ध्यान से ही यूज़ कीजिएगा और इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इसे ना पकड़ पाए। फिर चौथा है आपका 7 इंच सन टोकू नाइफ, पता नहीं ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन फिर भी दिख तो बहुत ही अच्छा रहा है। तो जैसा आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो फिनिशिंग है वो कितनी अच्छी दी गई है, आप देख सकते हो, पकड़ने में बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा वजनदार भी है, जिससे क्या है ये बहुत ही मजबूत बन जाता है। तो जैसा आप देख सकते हो, बहुत ही मजबूत नाइफ है। फिर आपका फिफ्थ है आपका 5 इंच यूटिलिटी नाइफ। तो यूटिलिटी नाइफ वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं जो फ्रूट्स वगैरह है उसके छिलके को निकालने के लिए। सिमिलरली ये भी है 3.5 इंच पैरिंग नाइफ, तो आप नींबू वगैरह छोटी छोटी चीज़ें इस सबको यूज करके काट सकते हो। तो ये टोटल 6 नाइफ्स आपको इसमें मिल जाते हैं।
तो जैसा आप देख सकते हो, सिर्फ ये एक ब्रेड नाइफ को छोड़कर बाकी के सारे जो नाइफ्स आप देख रहे हो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है उसका 1% भी आइडिया मेरे को नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा आपको तो नहीं बता पाऊँगा कि आप कौन सा चाकू यानी कौन सा नाइफ़ यूज़ करके क्या कर पाओगे। अब उसका एक रीज़न है, ये आप जो देख रहे हो ये मेरा वाला नाइफ है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैं इसी नाइफ का यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग जब करता हूँ तो उसके पैकेट को खोलता हूँ। घर में इसी से यूज़ करके सब्जी वगैरह भी काट लेता हूँ, फ्रूट्स वगैरह काट लेता हूँ, इवन प्रिंटर के कैट्रिजेस वगैरह को भी मैं इसे ही यूज़ करके खोलता हूँ। जिसकी वजह से घर में मेरे को बहुत डांट पड़ी, मतलब मेरी मम्मी से बहुत डांट पड़ी, बहुत गाली खाया, जिसकी वजह से मैंने कहा ठीक है अब आपके लिए एक नया सेट मैं खरीद लेता हूँ, इसे आप यूज़ कीजिए किचन में, मैं इसे यूज़ करता रहूँगा मेरे वाले चाकू को। तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कौन सा चाकू किसके लिए यूज़ होगा, लेकिन फिर भी आपको बस दिखाने के लिए कि कितना अच्छा है ये, मेरे पास एक गुआवा है, इसे अभी हम काटते हैं हर एक चाकू को यूज़ करके, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो सबसे पहले जो हमारा शेफ़ नाइफ़ है उसे हम यूज़ करते हैं। तो आप इसे इस तरह से लीजिए और देखते हैं ये अच्छी तरीके से कटता है या नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये कट गया, तो इसे हम शेफ नाइफ कहते हैं। इसे यूज़ करने के बाद आप इसके कवर को लीजिए और इसे वापस से इस तरह से अंदर डाल दीजिए। दूसरा है हमारा स्लाइसिंग नाइफ, तो जैसा आप देख सकते हो, तो मेरे को लगता है स्लाइसिंग नाइफ है तो स्लाइस करने के लिए ही यूज़ होगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये भी हमारा अच्छी तरीके से कट गया, तो ये है स्लाइसिंग नाइफ। तो चलिए अब हम इसे भी डाल देते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्रेड नाइफ, तो इसे ब्रेड को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी इसे यूज़ करके काट देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये कट चुका है, तो ये है हमारा ब्रेड नाइफ। उसके बाद आता है आपका सांटोकू नाइफ, पता नहीं ये क्या है लेकिन फिर भी इसे हम यूज़ करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कितनी आसानी से और कितनी बारीक तरीके से ये कट चुका है, तो ये है सांटोकू नाइफ। उसके बाद आता है आपका 5 इंच का यूटिलिटी नाइफ, तो इसे भी हम थोड़ा सा काट लेते हैं और देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कितनी आसानी से कट चुका है, तो इसे भी आप यूज़ करने के बाद इसके कवर में इसे डालकर बंद कर दीजिए। और लास्ट है आपका पैरिंग नाइफ, तो इसे भी हम थोड़ा सा यूज़ करके काट लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये भी कट चुका है। तो 6 के 6 जो नाइफ है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, और ये जैसे मैंने कहा स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं, और इसके ऊपर आपको एक प्रोटेक्टिव कवर मिल जाता है। इवन जो ब्लेड है इसके ऊपर भी आपको एक ब्लैक कलर का कोटिंग मिल जाता है जिससे ये रस्ट प्रूफ बन जाता है। तो ये है अगारो 6 इंच नाइफ सेट। इसका एक 17 पीसेस भी मिलता है, सॉरी 6 पीसेस और 17 पीसेस। 17 पीसेस में आपको नाइफ होल्डर मिल जाएगा, यानी आप नाइफ्स को यूज़ करने के बाद उस होल्डर में इस तरह से रख सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हो यह है 6 पीसेस अगारो नाइफ सेट। तो अब ये जो नाइफ्स आप देख रहे हो ये आपका बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था, तो इसका जो बाइंग लिंक है वो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे क्लिक करके एक बार इसे चेक ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ है इसका प्राइस, मैंने इसे 699 रुपीज़ में ख़रीदा है, यानी कि 700 रुपीज़ का 6 चाकू। अब इसका प्राइस ज़्यादा या फिर कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसके सेलिंग के ऊपर, तो इसे एक बार ज़रूर देख के खरीद लीजिएगा। तीसरी चीज़, इसका कोई और कलर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ इसी ब्लैक कलर में अवेलेबल रहेगा। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।